हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है फहीम शेख और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल नाच कंट्रोल पैनल की ओर से। आज मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ कि आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। जैसे जीरा फ्लेवर, हमारे जो कस्टमर होते हैं तो जो देखते हैं कि भाई फ्लेवर प्लांट तो कैसे रनिंग होता है, किस तरह से है, यानी कहने का मतलब प्लांट इस तरह से सोडा फिल हो रहा है, फिलिंग कर रहा है, कैप कर रहा है, लेकिन फ्लेवर कैसे बनता है, तो वो फ्लेवर और प्योर शुगर में किस तरह से फ्लेवर बनता है वो आज जीरा फ्लेवर का मैं आपको बताऊंगा कि जो जीरा फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें क्या क्या लगता है और उस किस तरह से उसको बनाने का तरीका है वो आज मैं आपको बताऊंगा। आज मोस्ट हमारा वीडियो बनाने का पर्पस ये है, जैसे हर बार के लिए मैंने बताया था कि मेरा रोज़ एक वीडियो आएगा। फिलहाल मेरा ये जो प्लांट है नाच फूड प्रोडक्ट के नाम से, इसके अंदर हमारा मैन्युफैक्चरिंग कोल्ड ड्रिंक का होगा, लेकिन बिल फिलहाल मेरे लेबल प्रिंटिंग के अंदर है, तो इंशाल्लाह जब प्रिंटिंग से लेबल आ जाएंगे तो लेबलिंग के साथ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी कस्टमर को वीडियो दिखाने का रीज़न ये है कि आपको मालूम पड़े कि इस तरह की मशीनरी आ रही है, प्लांट चालू करने के बाद क्या क्या चीज़ें लगती है, यानी फ्लेवर कैसे बनानी है, मशीनरी कैसे लेनी है, वो हर चीज़ का आपको नॉलेज मैं आपको करवाऊँगा। तो अभी जो मैं आपको प्रोडक्शन करके दिखाऊंगा विदाउट लेबल है, लेकिन जीरा की जो फ्लेवर बनती है वो किस तरह से बनती है मैं आज आपको बताऊंगा। तो आप देखते रहिए हमारा वीडियो, अब स्टार्ट करते हैं फ्लेवर कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम 200 से 250 बोतल के आसपास की जो सबसे छोटी बैच होती है वो हम बनाएंगे, जिसमें जीरा का जो फ्लेवर है जो 100 ml और जो उसका पाउडर है वो 80 ग्राम्स के हिसाब से जाता है। पानी उसका जाएगा 6 लीटर पानी और 5 किलो शक्कर जीरा के अंदर जाएगी। तो आपके पास पहले तो सिरप बनाने के लिए इस तरह का एक इक्विपमेंट होना ज़रूरी है। ये अगर आपको कम से कम 6 लीटर की बैच बनती है, अगर मान लो कोई फ्लेवर आप बनाते हो तो सबसे छोटा बैच बनाने के लिए आपको 6 लीटर पानी और 5 किलो शक्कर मोस्ट ऑफली चाहिए रहता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे उसको बनाना है। तो 6 लीटर पानी डालिए, ये 6 लीटर पानी आरओ का जो ऊपर जो आरओ प्लांट लगा हुआ है हमारा, वो ऊपर आरओ प्लांट से सीधा गर्म पानी इसके अंदर, हमारा जो गर्म करने का सिस्टम है वहाँ से गर्म हो के सीधा 6 लीटर पानी यहाँ पे आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेजरमेंट भी दिया हुआ है, 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर, ये 10 लीटर तक का है। उसके बाद ऐसा एक और भी छोटा बैच आता है, अगर आपको उससे समझ में नहीं आ रहा है तो उससे छोटी बकेट वाला भी आता है जिसमें 5 लीटर फिक्स आता है इसके लेवल पे। तो 5 लीटर का आप मेजरमेंट रखिए, ऐसा ही 1 लीटर का आता है, नहीं इस तरह के मेजरमेंट आपको रखने हैं। अभी आप देख सकते हैं ये 6 लीटर का मेजरमेंट आ गया, ठीक है स्टॉप। ये 6 लीटर पानी हमने ले लिया है, अभी ये पानी हमारा जो सबसे छोटा बाउल है इसके अंदर आप भर सकते हो। डालिए इसमें पानी, ये हॉट वाटर इसके अंदर हमने डाल दिया है, ये 50 लीटर का बैरल है, इसके अंदर 6 लीटर माल हम आराम से बना सकते हैं इसके अंदर। अब ये 5 किलो शक्कर इसमें डालेंगे और उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि शुगर का सिरप बन जाए, कन्वर्ट हो जाए अच्छे से। और कई लोग जो रेडी पैकेट आते हैं, रेडी पैकेट आते हैं तो वो भी यूज़ करते हैं, लेकिन रेडी पैकेट यूज़ करने में क्या है, कभी कभी कोई कोई शुगर के अंदर सल्फर रहता है तो उससे आपके फ्लेवर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो हमको प्रोडक्ट चाहिए वो गुड क्वालिटी और मीठी चाहिए। मीठा करने के लिए शक्कर जो आप यूज़ करते हो वो बड़े दाने वाली यूज़ करिए, यानी जो शुगर है उसका दाना थोड़ा मोटा होना चाहिए ताकि, और ये जो अभी हम प्रोडक्ट बनाएंगे, मान लो अगर शुगर में कोई भी कचरा आ गया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके नीचे फिल्टर लगा हुआ है ऑलरेडी, यानी शुगर में फ्लेवर में जो भी होगा ये आपको यहाँ से, जब ये फ्लेवर एक टैंक में डाली जाएगी, ये वाली फ्लेवर टैंक में, तब यहाँ से फिल्टर होके ही शुगर बाहर निकलेगी, यानी अगर आपको शुगर में कचरा आ भी गया तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी हमने इसके अंदर 6 लीटर पानी और 5 किलो शक्कर डाल दी है ऑलरेडी, और अब इसको हम ब्लेंड करेंगे, उसके बाद फ्लेवर मिक्सिंग करेंगे। अब शुगर मेल्ट हो चुकी है,
अब इसके बाद इस तरह का हमारा जो जीरा का फ्लेवर है, जीरा, ऑरेंज, लेमन, जो भी आपको चाहिए वो फ्लेवर हम नहीं बनाते। मैं हर बार आपको फ्लेवर के अंदर एक ही बात बताता हूँ कि फ्लेवर हम नहीं बनाते, लेकिन हम जहाँ बनवाते हैं हमारी फ्लेवर वहाँ पे आपको कांटेक्ट करवा देंगे, ताकि आपको हमेशा सही माल, एक तरीके का माल मिल सके। तो आज हम ये जीरा का फ्लेवर बना रहे हैं, तो जीरा का इस तरह का एक 100 ml का बॉटल है। जब आप ऑर्डर करोगे तो 500 ml का आएगा, एक साथ आपका जो 50 बॉक्स 24 बॉटल का है वो बनेगा। ये इसमें आपको कम से कम 7 से 8 बॉक्स बनेंगे। और ये इसका पाउडर है जिसके अंदर साइट्रिक एसिड है, फिर काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जो जीरा के लिए ज़रूरतमंद है, तो बारी बारी सब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो अब ये पहले, सबसे पहले हम इसके अंदर हमारा पाउडर डाल देंगे, ऐड करिए पाउडर, डाल डालो। ये 80 ग्राम जो पाउडर है हमारा, वो 80 ग्राम पाउडर गया है, 100 ml का फ्लेवर है, 100 ml फ्लेवर जाएगा, फ्लेवर ऐड करिए। कवर करो, ये एयर टाइट रखने का रीज़न क्या है कि आपका जो कच्चा फ्लेवर है वो भी कभी ख़राब नहीं हो, उसके वजह से इसको डबल इनर लाइन बोलते हैं। जो भी फ्लेवर वाले होंगे वो आपको अगर एक सिंगल वाला देते हैं, ताकि आपका फ्लेवर आपका पहले से ही ख़राब हो गया होता है, और बाद में आप कोल्ड ड्रिंक में ढूंढते हो कि हमारा फोल्ड कहाँ है, ऐसा नहीं। इसको एयर टाइट फ्लेवर होना बहुत ज़रूरी है, इस तरह से एयर टाइट रखना पड़ता है इसको ऐड के लिए। ये इसका एसेंस भी ऐड हो गया, यानी इसके अंदर कलर है, उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सारे इसके अंदर ऐड हो गए। अब इसको ब्लेंड करके हम ये टैंक में डाल देंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, जो जीरा का एसेंस, इंग्रेडिएंट्स जो भी था, हमने ये टैंक के अंदर डाल दिया है। तो अब ये टैंक के ऊपर 1 HP का एजिटेटर लगा हुआ है। अब ये 1 HP का एजिटेटर इसमें क्या करेगा, इसको ब्लेंड करके अच्छे से उसके पार्टिकल्स कर देगा। पार्टिकल्स होने के बाद क्या होगा कि आप उसको थोड़ी देर रोकना पड़ेगा, ताकि आपकी फ्लेवर में फॉर्मिंग नहीं हो। कई सारे क्लाइंट क्या करते हैं, जैसे ही जीरा बनाते हैं ऐसा ही उसको रन कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसको एक 5-7 मिनट आपको होल्ड करके रखवाना पड़ता है, ताकि क्या है, आपका फॉर्मिंग का रेशियो कम हो जाए। कई बार क्या होता है, मशीन चालू हो जाती है, आप मशीन चालू कर देते हैं, फॉर्मिंग हो जाता है। फॉर्मिंग होने के बाद कम से कम 8-10-20 बोतल निकल जाने के बाद आपका फॉर्मिंग बंद हो जाता है। उसका रीज़न क्या है कि आप पहले से उसके जो केमिकल है वो एक दूसरे के साथ मिल जाने दीजिए, ताकि आप आराम से आपका फ्लेवर बना सकते हैं। तो अभी हमारा जीरा का ये फ्लेवरिंग का काम ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको मशीन चालू करके दिखाऊँगा किस तरह से मशीन का वर्किंग है, ठीक है। Yeah.
dance, 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 dance,